देखो भाई चेतक को खोलनी पड़ गई आज पहली बार। ब्रेक ऑयल डालना है इसमें। देखो ब्रेक ऑयल तो कुछ है ही नहीं इसमें। एक कट्टा दो कट्टा ये पीछे पड़े, और पीछे पड़े पूरी गाड़ी भरी हुई है। ओ शिकायत कर दे भयंकर नाना को। भयंकर नाना मेरे को पापा दाते हैं ने बोल दे। नाना मेरे को पापा दाते हैं बोल दे। कैमरा चालू रहेगी नहीं? कैमरा बंद होता ना तो जो तेज तेज होती पूछो मत। यू वेरी गुड। आज तो भाई मेरे को बहुत काम है। पहले मैंने पल्सर बैटरी लगाई थी पिछले संडे को, उसके बाद से खड़ी हो तो उसको धोनी है और उसको चलाएंगे। मतलब मेरे डेली मन कर रहा पल्सर चलाऊँ, जुपिटर भी चला लेंगे साथ पल्सर भी चलाऊँ। तो पल्सर को साफ करेंगे, धोएंगे, पॉलिश करेंगे, बड़े चकाचक, और फिर उसको चलाएंगे बिना। और फिर ये पापा की चेता खड़ी है, इसके डिस्क पैड आगे से आवाज़ कर रहे हैं, चूँ 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 आवाज़ कर रहा है। तो या तो उसमें मिट्टी चल गई डिस्क में, तो उसको धोएंगे, धोने के बाद अगर सही हो जाती ठीक है, नहीं तो डिस्क पैड खोल के साफ कर लेंगे। और बाद में मेरे एक्स में पड़े सामान, देखो एक कट ये आगे भी कट्टे पड़े, पीछे भी कट्टे पड़े। ये दान देने वाले कपड़े हैं, ये निकाल के ये दान दे के आएंगे। मतलब गाड़ी में इसलिए पड़े हैं, 3-4 दिन से पड़े हैं, इनको दान दे के आना। तो ऐसी कैसी गाड़ी ले चलेंगे, इसको दान भी देंगे। और आज मैंने एक में मंगाया गाड़ी धोने का प्रेशर वॉशर, फोम वॉश वगैरह जो होता है वो मंगाया मैंने। तो उसमें देखो डिलीवरी अगर अभी हो जाएगी तो 10 बजे का टाइम है डिलीवरी का, अर्जेंट डिलीवरी थी, 1 डे डिलीवरी, क्योंकि मेरे पास अमेज़न प्राइम है इस चक्कर में। अब देखते हो कितने बजे आएगा, वो आएगा तो उसका रिव्यू करेंगे। तो ये अभी मैं इसकी कर रहा हूँ टेस्टिंग चेतक की। इसको मैंने नीचे से वॉश कर दी खाली, आगे आगे से डिस्क पैड इसके वॉश कर दी, पूरा क्लियर नहीं कर रहा। अभी चेक कर रहा हूँ अगर चू चू इसकी बंद हो जाएगी तो ओके, नहीं तो फिर पैड खोलने पड़ेंगे, क्योंकि पैड खोलना मैं चाह नहीं रहा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे ही हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया। तो चेक करते हैं एक बार। तो देखो आवाज़ तो आ रही है, आपको सुनाई आ रही है क्या बात है? इसमें पता नहीं कैमरे में आई नहीं आई, ये चू चू आवाज़ कर रही है, अभी भी कर रही है। देखो ये इसकी जो डिस्क वो है ना, मतलब जो डिस्क है वो ख़राब हो जाएगी अगर इसको सही नहीं करा तो। इसके पैड तो चेंज करने पड़ेंगे अभी, ये पैड खोल के इनको रेज माल से घिसना पड़ेगा एक बार। मतलब डिस्क पैड खोल के इनको रेज माल से घिसना पड़ेगा, तब जाके जो थोड़ा सा बुरा था चिपक जाता है ना उनको लोहे का डिस्क पैड पे, तो वो साफ़ हो जाएगा। ये उनकी आवाज़ है, पल्सर में भी सेम ऐसी आवाज़ आती थी पहले, तो वो तो मैंने कर ली थी। अब इसकी भी खोल के साफ़ करेंगे वरना ये ख़राब हो जाएगी डिस्क इसकी। तो ये देखो इसमें डिस्क में जहाँ निशान दिख रहे होंगे, ये देखो ये जो लाइन पड़ गई ना, ये लाइन का मतलब है कि डिस्क पैड आपके ख़राब हो चुके हैं। तो इसके एक बार डिस्क पैड घिस के देखते हैं, हो जाएगा सही। खाली एक ही पिन निकलेगी और ये पूरा पैड खुल जाएगा। लेट्स ट्राई, उसके बाद धोएंगे इसको फिर। ये देखो इसके डिस्क पैड निकाल दी मैंने, पूरे घिस गए। देखो लोहा ही बाहर आ गया, पूरे ख़त्म है। तो ये वैसे तो चलेंगे नहीं, लेकिन अभी तो मैं इसको एक बार घिस के लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास नए डिस्क पैड है नहीं, और ये मिलेंगे बजाज के शोरूम पे। तो इनको एक बार लगाते हैं, फिर बजाज के शोरूम पे जाके चेंज कराएंगे। देखो डिस्क पैड पर भी निशान पड़ गया यार, ये प्रॉब्लम होती है इनमें डिस्क पैड में, बहुत जल्दी घिस जाते हैं कई कई बार। तो इसको साफ़ करेंगे रेनमाल से, फिर दिखाता हूँ आपको, देखना कैसे लगेगा फिर। ये हो गया भाई क्लीन, पहले थोड़ा सा खुरदरा खुरदरा हो रहा था, अब बिल्कुल क्लियर हो गए। इनको लगा देते भाई। ये चेतक अपन से सही हुई नहीं, क्योंकि इसके डिस्क पैड जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मैंने लगा के देखे, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो हमारे घर के पास एक मैकेनिक है, आवाज़ देखो कैसे आ रही है। हमारे घर के पास एक मैकेनिक है, मैं उसको लेके जा रहा हूँ, डिस्क पैड आता हूँ डलवाऊँगा उसको। कहते ना वो जो चीज़ जहाँ पे लिखी होती है वैसी होती है। मेरे घर के पास में मैकेनिक था, मैं वहाँ जाया, उन्होंने मना कर दिया। हिमांशु जी के गैराज के पास में मैकेनिक थे, उन्होंने मना कर दिया। हिमांशु जी के पास में आया जिससे मैं एक्स यू वी काम करवाता हूँ, तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो फोर व्हीलर काम करते हैं। लेकिन इनके पास में भैया बैठे थे, वो खुद ही गाड़ी काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला भैया मैं लगा दूँगा।
तो वो लगा रहे मेरी गाड़ी में डिस्क पैड, वरना तो आज परेशानी हो जाता है। जहाँ जो चीज़ लिखी होती है वो वहीं होती है। ये है वो गैराज इनका, बिग डैडी व्हील्स, बिग व्हील्स मोटर, सॉरी, जिसमें एक्सवी का मैंने स्टेयरिंग का काम करवाया था ना भैया से। ये देखो BMW खड़ी इनके पास में, ये जैगुआर खड़ी, मैं BMW दिखाता हूँ आपको, अंदर से खुली होगी तो लेट्स सी। लॉक है भाई, बाकी इंटीरियर देख लो आप एक बार, इसका गत्ता खुला हुआ पड़ा है उधर, पावर विंडो का काम हो रहा है इसका खाली। बाकी चेतक भी हो गई अपनी, 2 मिनट में लगा था भाई ने यार। ये है फाइनली देखो BMW का इंटीरियर, शानदार लग रही गाड़ी। अभी फिलहाल भैया उसके जब मेरी चेतक में वो डाल रहे हैं ब्रेक ऑयल, उसमें ब्रेक ऑयल नहीं है बिल्कुल भी, तो ब्रेक ऑयल भी डाल रहे हैं यार। सबसे बड़ी चीज़ है इनको सारा काम आता, वो हिमांशु भैया के भाई हैं, तो उनको उन्होंने चेतक का काम करा हुआ है शोरूम पे, इस चक्कर में बढ़िया अपना काम हो गया यार आज। देखो भाई चेतक को खोलनी पड़ गई आज पहली बार, ब्रेक ऑयल डालना है इसमें, देखो ब्रेक ऑयल तो कुछ है ही नहीं इसमें, उसके लिए क्या क्या तामझाम खोलने पड़े, ये खोलना पड़ा, इसको खोलने के लिए ये खोलना पड़ा, इसके बाद बजर था नीचे, 2 एलंकी थी लंबी लंबी, बहुत सारे बोल्ट खोलने पड़े। भाई ने मना ही कर दिया था, फिर मतलब कर दो यार कैसे भी करके, जब जगह करे ना उन्होंने। देखो कितना अंदर जगह ये, अब ये इसमें ये पैक होएगा, फिर ये पैक होगा, फिर इसके बोल्ट लगेंगे अंदर से है इसके बोल्ट, और फिर जाके कवर लगेगा। बहुत तगड़ा ही काम है, और प्लास्टिक के पार्ट्स और है, टूट जाए तो दिक्कत। बाकी अभी देखते हैं, आज तो भाई पता ही नहीं क्या चुल लगी मेरे को, सुबह सुबह मैंने चेतक तो खोल दिया, टाइम मेरा वेस्ट हो गया, और गाड़ी अभी भी सही नहीं हुई, अभी भी इसके ब्रेक्स नहीं आए 12:30 बज गए। कई कई बार तो किस्मत ही ख़राब निकलती है, आज तो मेरी पूरी किस्मत ख़राब थी। अब 12:30 बज गए, धूप भी निकल रही है, तो मन नहीं कर रहा पल्सर को तो धोने का, तो मैं तो कुछ ही नहीं करूँ भाई, अब खाली एक्सवी में से जो कट्टे निकालने हैं, जो दान देने के, वो कर कुरा के बैठेंगे आराम से इसी में। अब नहीं है बस के, आदमी एक लिमिट तक सहन करता है यार, इतनी देर हो गई वो करे जा रहा बेचारा, जब चलो मेरे चक्कर में कर रहा है वो, लेकिन उससे भी नहीं वो, तो चलो ठीक है रे यार छोड़ो क्या है। लेकिन अगले ने पैसे नहीं लिए मेरे से, खाली 11 रुपये लिए भी है ना, क्योंकि सुबह सुबह मैंने बोनी मैंने करे थी इनको, पहले कस्टमर में था मतलब एक कर, तो 11 रुपये उन्होंने बोला तो मैंने 11 रुपये उनको दे दिए बोनी के तौर पर, वो भी नहीं लेते। चलो खैर अब इसको कल सर्विस सेंटर लेके जाएंगे, वहीं पर करवाएंगे से काम। तो भाई फाइनली इतनी देर सोने के बाद, इतनी देर सो के 2:30 बज रहे हैं, अभी 1 बजे मैं आया था, नाश्ता वाश्ता कुछ करा, और फिर मैं तो सो गया इसी में आके यार, क्योंकि आजकल ना मतलब थक जाता हूँ मैं जल्दी यार। वो इसलिए भी है क्योंकि अभी 2-1 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट होके आया था, मेरे ग्लूकोज चढ़ा था कुछ, मेरे वायरल भी हो गया था, और फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट था मैं, देखो हमारे घर के सामने जो ये हॉस्पिटल है ना स्वास्तिक, ये स्वास्तिक हॉस्पिटल है, 3 मंजिल का है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने तो उस दिन देखा है, इसके अंदर मैं एडमिट था। मैं डॉक्टर के पास गया था खाली चेकअप कराने, थोड़ी बहुत कमजोरी हो रही थी, उल्टी वगैरह हो रही थी, लूज मोशन हो रहे थे, मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गया था, तो डॉक्टर को जैसे मैंने बताया ये सब हो रहा है, उसने एडमिट कर दिया जैसे तो मेरे को एड्स वगैरह हो रहा हो ना, 10-10 बोतल ग्लूकोज की चढ़ाई उसने, तो उसकी शायद अभी तक कमजोरी है। मैं सुबह खाली चेतक को सही कराने गया, जाके खाली आ गया वापस में, उसके अंदर पूछो मत, मतलब ऐसे थकान हो गई कि बस बैठ जाओ, अब कुछ ही काम मत करो, क्या करें यार। लेकिन अब थोड़ा बहुत काम है वो करना पड़ेगा, बताता हूँ आपको एक बार। एक तो मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मैं पल्सर को भी स्टार्ट करके देखा, पल्सर स्टार्ट ही नहीं पता हो यार, कल स्टार्ट हो गई, कल क्या मतलब जिस दिन बैटरी लगाई थी मैंने गाड़ी में उस दिन तो स्टार्ट हो गई थी, एक हफ्ता हो गया उस बात को, आज स्टार्ट ही नहीं हो रही गाड़ी। अब उसमें पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है, तो दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा,
शायद उसके अंदर पेट्रोल कम है थोड़ा सा, उस चक्कर में नहीं हो रही होगी, लेकिन उसमें ही मेरी किस्मत खराब है क्योंकि मैं जुपिटर से निकाल के पेट्रोल डाल सकता था, लेकिन जुपिटर में भी पेट्रोल नहीं है, उसकी भी लाइट जब जब कर रही है पेट्रोल की। कल शाम को मैं जाके आया था तो कल से जब जब कर लगी पेट्रोल की लाइट और उसके बगल में दो गाड़ियाँ खड़ी है, स्टार सिटी स्टार स्पोर्ट जो बंद पड़ी है, उनमें पेट्रोल है नहीं कुछ भी। होगा भी तो देखना पड़ेगा, कचरा होगा उनके पेट्रोल में, सालों से बंद पड़ी हो गाड़ियाँ, तो हो सकता है कुछ, देखते एक बार। क्या बोल रही दादी? देखो देख दादी सूख ली बोलती, देखो कुछ भी खा लेती है क्या? चल जा पापा के, चल जा दे, चल जा हाय हाय ले जा, देते हैं दे। नहीं 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 खिलाओ, काम करे लो आप, मोड़ सही करना भाई के बार को। अभी सो गया, अभी काम करेंगे थोड़ा। क्या चीज़ करने बताऊँ आपको, कचरा हटाना है मेरे को। हमारे घर में क्या कचरा रखने का रिवाज है, ये देखो सिलेंडर पड़े थे सारे, और ये जो पड़े हैं ना बैग वगैरह, इनको तरीके से हटाना है यहाँ से, और वॉशिंग मशीन को उधर सेट करना है ये क्या दिख गया चड्डा, ये सब हटाना है। तो इधर हो जा, बीच में कहाँ बैठा है तू, इधर पट्टा आ रहा बीच में, चलो उधर ऊपर बैठ सीढ़ी पे आ, तो ज्यादा ना तेरे को सड़क खा जाऊंगा तेरे को, ज्यादा मुंह लेगा तो। चाबी लेके एक सुई की, एक सुई की चाबी लेकर जी अपनी गाड़ी में से देखो निकालते सामान, ये खोला एक कट्टा दो कट्टा, ये पीछे पड़े और पीछे पड़े पूरी गाड़ी भरी हुई है, ये सब दान देने वाले कपड़े हैं, ये तो पीछे का खोलेंगे नहीं अपन, आगे से निकालते हैं। और एक परफ्यूम भी दिखाऊँ देखो एक बार, मैं भी तो देखो खुशबू कैसी हुई गाड़ी में, हाँ हाँ खुशबू तो आ रही है इसकी, थोड़ी धूप लग रही है लेकिन आ रही है, आ रही है खुशबू, बड़ी खुशबू आ रही है यार। कल मैं सामान लेके आया था कुछ घर गृहस्थी का भी, कपड़े वपड़े भी लाया था इशू के, तो ये भी लेके आया था परफ्यूम। चलो निकालते फिर गाड़ी को लगाएंगे उधर छाए में, ये आ गए ऊपर, इतने भारी भारी कट्टा है, सांस फूल गई, सांस फूल गई क्या बहुत भारी कट्टे हैं, बहुत भारी कट्टे, चादर वगैरह ये रिक्शे के पीछे की सीट साफ करके थोड़ी सी छाए में उधर लगा देता हूँ रिक्शे को, फिर देखते हैं पल्सर का हाल, वो पीछे गैल के साफ करते हैं पीछे। अब मैं सोच रहा हूँ ये ज़्यादा से सारे बैग वैग हटाऊँ, वॉशिंग मशीन को सामने की तरफ लगाऊं और सिलेंडर को इस तरफ लगाऊं, फिर थोड़ी सी जगह हो जाएगी इधर, या इधर लगा देंगे सिलेंडर को, देखते हैं एक बार। ये हटानी है मेरे को यहाँ से, फालतू पड़ी है कोई काम की नहीं, सिर्फ झाड़ू पड़ी है सब, बाकी पूरी खाली पड़ी है, तो इसको भी हटाएंगे, देखते हैं अभी। ये देखो भैया सेट कर देना, नहीं चू सही है, किसका कॉल आ गया, कट गया, नहीं चू चाहिए क्या, चाहिए ये तू सही है, तेरे बाल कैसे लग रहे एक लड़ निकल रही गली बाल की, इसको जैसे मैं बैठा दूंगा रोने लग जाती है, अभी मैंने अंदर सोफे बैठाया पीछे अम्मा के पास में, रोने लग गई, गोदी में लिया चुप हो गई, बैठा दू इसी तेरे को, बहुत शैतान हो गई। ईजू क्या कर रहा है मेरे, ईजू क्या कर रहा है, नहीं हाथ पर नहीं चलाते, ये हंसती है ना तभी हंसती है खाली भाई, जब इसका मूड होता तभी हंसेगी, बाकी तो अगर मैं इसको जोर से हंसूंगा भी ना तो रोने लग जाती है, मूड पे डिपेंड करता है इसका। और बाकी बारिश आ रही थी, अरे बारिश बंद हो गई, अभी इतनी भयंकर बारिश आ रही थी यार, देखो पूरी बालकनी गीली हो रही है, अभी देखो बूंदाबांदी तो दिख रही होगी शायद आपको भी कैमरे में, मतलब पानी में देखो टपके पड़ रहे हैं, है ना, बूंदाबांदी आ रही भी, लेकिन पहले तो बहुत तेज़ आ रही थी बारिश, तो मौसम भी खुल गया काफ़ी, ये देखो कितना मौसम खुल गया। और ये लगा दी मैंने एक्सयूवी इधर, इसमें सेकंड रो के जो कट्टे थे वो तो मैंने हटा दिए, अब थर्ड रो में पड़े हैं तकरीबन 4 से 5 कट्टे पड़े हैं, जिसमें 2 तो छोटे हैं और बाकी बड़े बड़े हैं, 2 आदमी को मिलकर उठाने पड़ेंगे, जब जाके उठेंगे इतने भारी कट्टे हैं, तो वो सब ईशी को देखो कैसे देख रही लेटी लेटी, क्या हुआ ईशू कहाँ देख रही है,
नटखट, इसको भाई आजकल बहुत चुल मस्ती है। इसको तो काऊ दिखाऊ खाली, काऊ गार्डन और ब्रूनो, ब्रूनो की तो दीवानी है, ब्रूनो ब्रूनो करती रहती है कि ब्रूनो ब्रूनो करती है कि ब्रूनो पे त्यों मरती है। अभी जोर से चिल्ला दूंगा रोने लग जाएगी तो कुछ ही नहीं है तेरे में, समझ गई क्या? हाँ ये पकड़ पकड़ बोड़ो 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 टू हट। अभी तो मैं चिल्लाने में बैसी रही, तू क्या रहा है? अभी तो तुम्हें चिल्लाने पे भी असर ही है, और ऐसे तो पूछो ही मत। ये पीछे कपड़े देखना, ये सारे बारिश आते लेट आए कपड़े। इचु क्या रहा है? इचु क्या रहा है? बदतमीजी करेगी ज्यादा, देखो मेरे मुक्का लगा रखे, देखो देखो अभी इसका डायपर पहना था ना, सुसु कर देगी। ये पलंग मेरी साइड का है और मेरी साइड पे सुसु कर दे खाली, तो सुसु कर देगी। इसका डायपर वायपर पहना उसका। हाँ मेरा बाबू, कल इसके लिए दो तीन नाइट ड्रेस लेके आया था मैं, बाकी तो छोटी हो गई तो जो कल मैं नाइट ड्रेस लेके आया वो बहुत बड़ी है, मतलब इसकी जैसे दो बच्चे आ जाएंगे उसको, इतनी बड़ी आ गई वो। तो हमने फोल्ड कर दी खैर उसको, वो बढ़िया भी है कि तो लात क्यों मार रही है? देखो लात मार रही है, बात ही नहीं करने देती। ले तू बोल, तू बात कर ले, ले। ऐसे बोल, हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, राम राम, राम राम, सबको राम राम बोल दो, राम राम। इचू राम राम, इचू पापा कहाँ हैं, इचू पापा कहाँ हैं? ये बोलेगी ना वही छोटी सी ब्लॉगर बनेगी हमारे घर के, बता रहा हूँ आपको। इसको कैमरे का बहुत शौक है, अभी भी देखो चलो मेरी छोरी की नज़र मत लगाना भाई कोई भी। क्यों भाई इशू? मैंने बोला था ना मेरी साइड में सुजु कर दी है, देखो सुजु कर दी। हाँ चू चू कर दी, पता है देखो गीली होगी तुम्हारी चद्दी, चू चू कर दी। हंस रही अब, जब भी तू हंस रही है ना, है ना, है ना, है ना तो मम्मी की साइड में क्यों नहीं कटी शुशु? कल मैं एक टब लेके आया था इसके लिए, ईशानी के लिए। टब मतलब एक छोटा सा वो था, छोटा सा मतलब क्या है, एक बड़ा टब था, नॉर्मल प्लास्टिक का टब था। एक तो वो आता है जो हवा भरो उसके अंदर फूल जाता है, पानी भरो तैर लो उसमें, स्विमिंग पूल टाइप का, वो स्विमिंग पूल वाला नहीं था। मैं नॉर्मल प्लास्टिक का टब लेके आया एक, हाँ तो ईशान ने देख कंटिन्यू देख रही मेरे को, तो टब लेके आया आज, उसमें नहीं लाया पालने उसको। ऐसी खुश हुई ना उसके अंदर नहा के, पानी भर दिया गर्म पानी में, जैसी बैठी आए है उसको तो ऐसे मज़ा आ गया, बस पानी छप 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 कर रही थी। लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाया उस टाइम की, मेरे को बनानी भी नहीं थी नहाते हुए बच्चे की वीडियो, मैंने मज़ा आता उन लोगों को देख के। है ना एजू, है ना एजू, नंगी पुंगी डैप पहन ले, ऐसे कैसे बैठी हो तू मेरे पास में साइड में आके ऐसे बैठ जाती है? मैं फ़ोन चलाता हूँ, अभी यूट्यूब वगैरह चलाता, यूट्यूब स्टूडियो एक शॉर्ट अपलोड करी थी मैंने, उसमें देख रही थी, और अब देखो बस वो मैं हाथ लेके गंजी बस तो वैसे निकल बाहर, जिसे हाथ अंदर लेगी मुंह में और उल्टी कर लेती है ना इचू, इचू इचू उल्टी करता है क्या बेबी, उल्टी करता है गंजी है गंजी। अभी तो क्या टकली होगी, ये मुंडन होगा, मुंडन क्या है मुंडन, ब्रूनो को देख रहे, ब्रूनो घूम रहा है ना, ब्रूनो को देख रही है। हाँ बस बस बस, ये बेटा ब्रूनो भी आ गया, अभी मिलूँ ब्रूनो, आ जा मेरा बच्चा, बस नीचे नीचे बैठना, नीचे ज़्यादा ऊपर नहीं। ब्रूनो बेचारा आजकल क्या करे, लेकिन यार इस पर दया भी आती है लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। छोटे से को लेके आए थे तो ऐसे अब शुरू से हमारे पास रहे, हमारे कमरे में हमारे साथ रहता था, बनता कभी नहीं था, हमेशा खुला रहता था, बंदा वही रहता हमेशा 24 घंटे। कभी कभार खोलता हूँ मैं उसको, वो भी जब मैं ऊपर लेके आता हूँ तब खोलता हूँ। थोड़ा अफसोस होता है यार इसके लिए, दवाई वगैरह तो मैं दिला देता हूँ उसको, लेकिन ऐसा लगता है कि यार अब नहीं पाल पा रहे हम, देने का भी मन नहीं करता किसी को। रखूँगा तो मैं उसको हमेशा, लेकिन जब तक मरेगा नहीं ना तब तक ही मेरे पास रहेगा, ये बात तो। क्यों इच्छो ब्रूनो भैया को रखेंगे ना पास में पापा, हैं रख ले पास में, बोल ब्रूनो भैया को रख ले पास में, देखो 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 रख ले ब्रूनो भैया को पास में
इच मौसम देखना कैसे येलो हो रहा है पूरा। देखो कितने तो येलो लग रहा है ना मौसम, क्योंकि अभी शाम हो रही है। मौसम देखो कितना तो येलोइश लग रहा है यार। अरे भाई तगड़ा ही लग रहा है तो यार, फुल येलो मौसम। तो कैमरे में जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा है? फुल येलो, फुल येलो। बढ़िया मौसम हो रहा है यार, 6:30 बज रहा है और बढ़िया से ऐसे लग रहा है धूप निकल रही हो। अच्छा लग रहा है मौसम। चलो खैर, मेरे साथ अभी पता नहीं रोज क्या क्या दिक्कत आ रही है। चेतक में पहले दिक्कत आ गई, चेतक बिना मतलब छेड़ी मैंने तो वो उसमें दिमाग ख़राब। पल्सर स्टार्ट नहीं हुई, जुपिटर में पेट्रोल नहीं है, एक्सयूवी का उधर की पावर विंडो वो जाम हो गई। हर गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है मेरे साथ, पता नहीं क्या हो रहा है यार। आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी गाड़ी ख़राब होती तो एक गाड़ी ख़राब होती, सारी गाड़ी थोड़ी ख़राब होती है। चेतक हो गई, जुपिटर में पेट्रोल नहीं है, पल्सर स्टार्ट नहीं हो रही, एक्सयूवी का पावर विंडो जाम हो गया उधर ड्राइवर के उस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, सारी गाड़ी एक साथ ही दिमाग खराब कर रही है मेरे। इस बार पता नहीं क्या हो गया यार। मैं डांट भी सकता तेरे को, बताओ। मैं यहाँ पे गोदी में लेटा रखा था, यहाँ पे लेटे लेटे सुसु कर दिया। एक काले डांटी है, देखो कैसे रोना काले तुमको। टी शर्ट दिख नहीं रहा, जैसे ही मैं बोला पापा के ऊपर सुसु कर दी। ओ शिकायत कर दे भयंकर नाना को, भयंकर। नाना मेरे को पापा दाते हैं, बोल दे नाना मेरे को पापा दाते हैं। बोल दे देख देख, पैर चला, पैर से यहाँ पे मुंह मत लगा लेना अब तू, ऐसे हो जाती है बिल्कुल। खाऊं जाऊं इसको, फोन को पकड़ लूँ उसको। ओ गिरी गिरी गिरी। ईचू ईचा रानी कहाँ है? ये ईचा रानी कहाँ है? राम राम कर दे नाना को, राम नाना राम राम कर दे। राम कर कपड़े तो देखो दे, उसके पिंक नेकर घर में तो ऐसे ही पहनते पापा, जब ऐसे बोलते घर में तो जो ऐसे ही पहनते नो हो ये जो हो। डराऊंगा देखो उसको, डराऊंगा डराऊंगा। हट करे ये जो। अहा अहा कैमरे में देख। अहा 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 हा हो। कैमरा चालू रहा कि नहीं? कैमरा बंद होता ना तो तेरे तो जो पूछो मत। इजू वेरी गुड, रोया नहीं है इजू, बहादुर हो गया। पता है पापा मेरे को चेते हैं मैं रो भी आती छेड़ता हूँ उसको, इतनी भयंकर होती है, इतनी भयंकर होती है, पूछो मत। नीचे तक आवाज चली जाती थी, कैमरा चालू भी था रो ही नहीं। चलो बढ़िया बात है, आज के लोग को एंड करते हैं यहीं पे। मेरा मूड खराब हो गया क्योंकि जो चीज़ मैंने ऑर्डर करी थी, गाड़ी वॉश के लिए प्रेशर मशीन ऑर्डर करी थी मैंने, वो रिटर्न हो गई वापस। पता नहीं क्या चक्कर हुआ क्या नहीं हुआ। आ गई थी 6:30 बजे के आसपास, मैंने मैसेज देखा रिटर्न हो गया वापस, उसको एड्रेस नहीं मिला या पता नहीं क्या हुआ, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। अब बोल रहा 2 दिन बाद वापस आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। खैर वैसे तो कैश ऑन डिलीवरी था, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करा था मैं, कैश ऑन डिलीवरी था, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। कैंसिल भी हो जाता कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मंगा लेंगे बाद में। लेकिन एक था वो रिव्यू करने का और उसे गाड़ी वॉश करने का, क्योंकि बारिश में चल चल के गाड़ी बहुत गंदी हो गई, उसे वॉश करने का था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाद में आएगा तो उसको रिव्यू कर देंगे, जब आएगा तो, नहीं आएगा तो जैसे हाँ। इस वाली वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ही छुपी थी दूध और करते हैं गुड बाय।